Very good morning, class 3rd. How are you all? Hope you all are fine. I am also fine. Today we are going to read a poem and it's a rhyme time. So please open your book. We are going to read a rhyme and the name of the rhyme is A Busy Day. Please open your book. So kids, this is your poem. A busy day. We will start with the starter kit. Little children keep popping in and out of the house all day. It seems they are doing something very urgent. In this poem, a child tells us how busy he remains all day. Read and enjoy. जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो एक जगह बैठते नहीं है, कभी अंदर जाना कभी बाहर जाना, तो it is called popping. From here to here, एक जगह से दूसरी जगह कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं. ऐसा लगता है उनके पास बहुत सारा काम है. तो इस पोयम में एक छोटा बच्चा हमको यही बता रहा है कि उसके पास कितने सारे काम हैं. सो वी विल स्टार्ट अवर पोयम. ओके. पॉप इन पॉप आउट, पॉप ओवर द रोड, पॉप आउट फॉर अ वॉक, पॉप डाउन टू द शॉप, कांट स्टॉप गॉट टू पॉप. वो कहता है कि मैं अंदर जा रहा हूँ, पॉप इन कर रहा हूँ, पॉप आउट कर रहा हूँ, मतलब अंदर बाहर, रोड पे जा रहा हूँ, वॉक के लिए जा रहा हूँ, शॉप पे जा रहा हूँ, मैं रुक नहीं सकता, मुझे पॉपिंग करनी पड़ेगी, मतलब मुझे अंदर बाहर करना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है, इतना सारा काम है उसके पास. अब क्वेश्चंस आते हैं. गॉट टू पॉप, पॉप वेयर, पॉप वॉट. उससे पूछा जा रहा है कि कहाँ जा रहे हो, क्यों पॉप कर रहे हो, तो वो क्या आंसर्स देता है. वेल, I have got to pop round, pop up, pop into town, pop out and see, pop in for tea, pop down to the shop, can't stop. वो कहता है कि मुझे अंदर जाना पड़ेगा, घूमने के लिए जाना पड़ेगा, टाउन में जाना पड़ेगा, देखने के लिए जाना पड़ेगा, घर के अंदर टी के लिए जाना पड़ेगा, बाहर फिर शॉप पे जाना पड़ेगा, मतलब उसको बहुत सारे काम है, तो इसीलिए वो अंदर बाहर कर रहा है, वो रुक नहीं सकता. ही हैज़ टू डू सो मैनी वॉक, दैट्स वाई ही इज़ डूइंग पॉपिंग इन पॉपिंग आउट एवरीवेयर वेयर एवर ही वॉन्ट टू गो. सो ऐसे आप लोग भी हैं, बहुत सारे काम होते हैं आपको. यू कांट स्टॉप एट वन प्लेस, इवन योर फादर मदर इज सेइंग टू स्टॉप एट वन प्लेस बट यू कांट. आपके मम्मी पापा कहते हैं एक जगह बैठ जाओ, लेकिन आप नहीं बैठते हो, इधर उधर 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 इधर उधर जाते ही रहते हो. फिर वो लोग कहते हैं कि एक जगह नहीं बैठ सकते क्या, इधर से उधर घूमते ही रहते हो. तो सेम द चिल्ड्रन इज डूइंग हेयर. ओके, नाउ वी विल मूव टू अवर नेक्स्ट पेज. नाउ किड्स, दिस इज अवर सेकेंड पेज. गॉट टू पॉप, गॉट टू पॉप, गॉट टू पॉप, पॉप वेयर, पॉप व्हाट. उससे फिर पूछा जा रहा है कि कहाँ पॉप करने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, तो फिर वो आंसर देता है. वेल, आई हैव गॉट टू पॉप इन पॉप आउट, पॉप ओवर द रोड, पॉप आउट फॉर अ वॉक, पॉप इन फॉर अ टॉक. मुझे अंदर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे रोड पे जाना है, मुझे चलना है, मुझे घूमने जाना है, मुझे पॉप बात करने के लिए जाना है किसी से, मतलब अ चाइल्ड कुड नॉट स्टॉप एट वन प्लेस, ही हैज़ टू पॉप, ही वॉन्ट टू पॉप, सो ही कांट स्टॉप एट वन प्लेस. सो दैट इज़ कॉल्ड पॉपिंग वैन ही कांट स्टॉप एट वन प्लेस. जब बच्चे एक जगह नहीं रुक सकते, एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, तो उसे पॉपिंग कहा जाता है. इन द चाइल्डहुड वी ऑल्सो हैव डन द पॉपिंग. हम बच्चे रहते हैं तो बच्चे ये सारी चीज़ें करते हैं. दे कांट सिट एट वन प्लेस, वो एक जगह नहीं बैठ सकते, तो उनका इधर से इधर घूमना, इधर से उधर जाना, उसे क्या कहा जाता है, पॉपिंग. ओके किड्स, आई नो दैट यू आर ऑल्सो डूइंग पॉपिंग एट योर होम. आप भी अपने घर पर पॉपिंग करते हैं इधर से उधर. सो दिस इज़ योर पोएम एंड द पोएम रिटन बाय मिशेल रोशन. ये आपकी पोएम है. आई होप दैट यू लाइक द पोएम. And if you have any confusion related to the poem, you can message me, you can call me. Please read once again the poem and if you have any difficult word, you can ask to me. Okay kids, take care. Bye-bye.